दोस्तों, जैसा आपको पता है कि दिसंबर का एंड चल रहा है, 2022 स्टार्ट होने वाला है। ऐसे में कौन से ऐसे किचन की लैमिनेट्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने किचन के लिए, अगर आप अपना किचन प्लान कर रहे हो तो। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाएंगे, उसका किचन का 3D का लुक भी दिखाएंगे जो आप ले सकते हो, और कौन सी लैमिनेट के फोल्डर में यानी कौन से ब्रांड की कंपनी में वो आपको लैमिनेट मिलेगी वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप अपने किचन का कलर चॉइस करने वाले हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमने जो लैमिनेट सेलेक्ट किए हैं यानी कलर सेलेक्ट किए हैं वो सेंचुरी, रॉयल टच और मेरीनो, तीन ब्रांड के कैटलॉग हमने सेलेक्ट किए हैं ताकि उसके अंदर से बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल पाएं। मैं आपको जब कलर कॉम्बिनेशन बताऊंगा उसके साथ में ये भी बता दूंगा कि वो सेंचुरी लैमिनेट में किस कलर कोड से अवेलेबल है या मेरीनो में किस कलर कोड से अवेलेबल है। अगर हम किसी कलर का नहीं बता पाएंगे स्टार्टिंग में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट जरूर दे दूंगा कि आप जो है इस वाले कलर को सेंचुरी में कहां से ले सकते हो, कौन से कलर कोड से ले सकते हो, मेरीनो में कौन से कलर कोड से ले सकते हो। तो हम पहला कलर कोड देख लेते हैं। पहला हमारा जो कलर है दोस्तों कॉम्बिनेशन, वो नेवी ब्लू एंड वाइट का है, जो कि काफ़ी बढ़िया किचन लगता है। अब मैं आपको नेवी ब्लू और वाइट इसमें एक बार सेंचुरी लैमिनेट में बताता हूँ कि क्या नाम से मिलता है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये इस वाले कलर की अपन बात करें बेसिकली, ये वाला जो कलर है और इसके साथ में वाइट का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है यानी कि वाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे आप खास बात देखोगे सेंचुरी लैमिनेट की फोल्डर की, तो ये है कि इसमें कलर का कोड तो दिया हुआ ही है कि नेवी ब्लू कलर है, 249 LU का फोल्डर का कोड है। साथ में इसका रिहाऊ का मैचिंग एज बेंडिंग टेप का कलर कोड भी दिया हुआ है, ताकि आप जो है अपना जब एज बेंडिंग टेप ले रहे हो, परचेस कर रहे हो शटर्स के ऊपर चारों तरफ एज बेंड करने के लिए, वो भी आपको मिल जाए। इसी तरह से ये वाला कलर आपको मेरीनो में या रॉयल टच में मिल जाएगा, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी मैं साइड में आपको दिखाता हूँ ये वाली जो किचन का कलर कॉम्बिनेशन है वो कैसा लगता है। इसको आप अगर ऊपर वाइट और नीचे की साइड में ब्लू प्लान करते हैं तो भी ये किचन काफ़ी सुंदर दिखते हैं। अगर आपकी बड़ी साइज़ की किचन है तो आप ये कर सकते हो कि नीचे अपन ने ब्लू ले लिया, ऊपर अपन ने वाइट ले लिया। अगर आपकी थोड़ी सी मीडियम साइज़ की किचन है तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपन बॉटम में वाइट और अपर की साइड में ब्लू ले सकते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया अपना लुक आता है किचन का। आप जैसा कि कलर कॉम्बिनेशन हमारे साइड में फोटो में देख पा रहे हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो मेरा फेवरेट है, वो 2021 में भी उतना ही ट्रेंड में था और मेरे को उम्मीद है 2022 में भी उतना ही चलने वाला है। वो है ग्रे एंड वाइट का। जो ग्रे एंड वाइट है दोस्तों, उसको भी आप सिमिलर टू ब्लू एंड वाइट यूज़ कर सकते हो, यानी कि अपर में वाइट भी ले सकते हो जैसा कि आप साइड में फोटो में देख पा रहे हो, और अगर आप चाहो तो बॉटम में वाइट और अपर में ग्रे भी ले सकते हो। दोनों तरह के कॉम्बिनेशन इसके अंदर काम करते हैं, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर कितना वेंटिलेशन है, कितना आपके अंदर लाइट इफेक्ट अपने किचन में आ रहा है, कितना आउटसाइड लाइट है और कितना इनसाइड लाइट है। जो ग्रे कलर रहेगा दोस्तों, मैं वो दोबारा से आपको एक बार फोल्डर की तरफ ले जाता हूँ। वाइट कलर तो अपना सेम ही रहने वाला है जो अपन ने लिया था, यानी कि ये नंबर इसका 108 LU है, और जो आपका ग्रे कलर है दोस्तों, वो ग्रे कलर ये वाला आएगा इसके अंदर। इसका जो हमारा नंबर आ रहा है 238 LU आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो, और कलर इसका एज बेंडिंग का मैचिंग टेप भी दिया हुआ है, और कलर ये वाला रहने वाला है। ये वाला जो सेम कलर है दोस्तों, वो मेरीनो के अंदर 2299 यानी कि 22099 के नाम से आता है, पॉपुलर कलर है। और जो वाइट कलर है वो 21091 यानी कि 2191 फ्रॉस्टी वाइट के नाम से आता है। दोस्तों, जो तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कई लोगों का डिमांड रहती है कि मैं वाइट यूज़ नहीं करना, तो उस केस में येलो एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, बट उसके लिए थोड़ी सी किचन साइज़ बड़ी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि दोनों ही थोड़े से बोल्ड कलर्स हैं। तो जो येलो और वाइट, येलो और ग्रे कलर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का अपने को लेना रहेगा। ये वाला जो आपका येलो कलर है, इसका कोड अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 206 LU है ना, और जो ग्रे कलर हमारा वो सेम रहने वाला है 238 LU। तो ये दोनों का अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसा आप मेरे साइड में फोटो में देख पा रहे हो, इस तरह का इसका किचन नज़र आता है। ऑब्वियसली क्योंकि येलो थोड़ा सा कलर लाइटर है, तो अपन येलो को बॉटम में नहीं तो ज़्यादा बढ़िया है, डार्कर कलर को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। अपन कुछ और भी इसके अंदर प्ले अराउंड कर सकते हैं। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन मेरे को अच्छा लगा, जो कि मेरे को लगता है कि आगे जाके भी ट्रेंड में रहेगा। दोस्तों, अब इसके अलावा मैं टू टोन कॉम्बिनेशन है कि दो कलर स्कीम के कॉम्बिनेशन में आपको दो तीन कलर्स और दिखा देता हूँ जो अच्छे हैं। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें, मैं फास्टली आपको बताता जाता हूँ। एक तो हमारा देखिए, ये वाला जो आपका कलर होता है, चॉकलेट कलर, इसको अपन बोलते हैं 174 LU। इसके साथ में आप आलमंड आइवरी मिक्स कर सकते हो 127 LU। और इसका जो लुक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ साइड बाय साइड, कि किस तरह का इसका किचन का लुक आएगा, ये भी आप 3D में नज़र आ रहा है आपको।
इसके अलावा एक अपन जो है ये डार्किश पर्पल कलर होता है, ये वाला देखिए आप ये देख पा रहे हो, ये जो डार्किश पर्पल कलर है अपना 265 वैल्यू जिसका नंबर है, ये वाले को आप वाइट के साथ कंबाइन कर सकते हो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये भी मैं आपको जो है ना अपने साइड में फोटोग्राफ में 3D के थ्रू दिखा देता हूँ कि किस तरह का आपको डार्किश पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। इसके बाद में दोस्तों एक और हमारा कलर स्कीम है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है बर्गंडी का। दोस्तों ये बर्गंडी कलर होता है, यानी कि वाला जो रेड कलर होता है, इसके साथ में भी आप वाइट को कंबाइन कर सकते हो तो काफ़ी बढ़िया उसका लुक आता है इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन का। तो इसके लिए भी आप जो 3D इमेज है वो मेरे साइड में देख पा रहे हो कि किस तरह की आपको वाइट और बर्गंडी के साथ में 3D में किचन का लुक नज़र आता है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे सिंगल कलर्स के बारे में। ये तो हमारे थे टू टोन कलर, मतलब दो कलर को कंबाइन करके अपन ने बनाया था। अगर आप सिंगल कलर किचन के ऊपर जा रहे हो तो कौन कौन से ऐसे कलर हैं जो अपन ले सकते हैं जिसमें आपकी सिंगल कलर में भी किचन का लुक काफ़ी बढ़िया आएगा। दोस्तों वैसे बेसिक लॉजिक है कि अगर कोई पेस्टल कलर है, यानी कि वो मीडियम टोन का कलर जिसको अपन बोलते हैं, जो ना कि ज़्यादा डार्क होता है ज़्यादा लाइट नहीं होता, दोनों के जो मीडियम टोन के कलर होते हैं वो सभी सिंगल कलर किचन में अच्छे लगते हैं। अगर आपकी किचन की साइज काफ़ी बड़ी है तो आप डार्क वाले कलर्स को भी सिंगल कलर में काम में ले सकते हो। जैसा कि मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, ये जो हमारा ब्लू कलर था, नेवी ब्लू कलर जो हमने दिखाया था, इसको अगर आप सिंगल टोन किचन में काम ले रहे हो, सिंगल कलर काम में ले रहे हो, तो आपकी किचन ओपन है और बड़ी किचन की साइज़ है तो आप इसको ले सकते हो। जैसा कि आप 3D में देख पा रहे हो इस तरह का इसका लुक नज़र आएगा। अपन कुछ कलर कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं जो कि आपके सिंगल कलर के हिसाब से हैं। तो पहला जो है वो पॉपुलरिटी अपना वाइट वाला, अगर वाइट को अगर अपन सिंगल कलर में बना रहे हैं, अगर आपकी किचन की साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना, अप्रॉक्सीमेटली 50-60 स्क्वायर फीट की 70 स्क्वायर फीट की किचन है, तो ऐसे में वाइट कलर को आप यूज़ करके काफ़ी बढ़िया किचन का लुक ला सकते हो। जैसा कि आप मेरे साइड में 3D में देख पा रहे हो, इस तरह का आपका किचन बन जाएगा अगर आप सिंगल कलर वाइट के अंदर अपनी किचन को प्लान कर रहे हो। अगर थोड़ा सा आपका मीडियम साइज़ का किचन है तो उसके अंदर आप बेज कलर एक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये वाला जो कलर है इसका कोड आपका आ रहा है 163 LU। इस वाले कलर को भी अपन सिंगल कलर में काम में ले सकते हैं कि ये वाला कलर अपने को सिंगल कलर में मिल जाए, है ना। तो इसका अगर अपन लुक की बात करें तो सिंगल कलर के अंदर इसका भी काफ़ी बढ़िया लुक आता है। इसका 3D में आपको साइड में इमेज में दिखाता हूँ कि किस तरह का आपको इसका 3D नज़र आएगा इस किचन बेज कलर में अगर अपन अपने किचन को प्लान करेंगे तो। दोस्तों उसके बाद एक लास्ट कलर जो मेरे को अच्छा लगा है सिंगल कलर के अंदर मीडियम साइज़ की किचन के लिए, वो सिल्वर ग्रे है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों ये 225 LU करके एक कलर है जिसका नाम ये कलर दिया हुआ है आपके सेंचुरी के फोल्डर में। तो ये वाला कलर भी आप सिंगल कलर किचन के अंदर काम में ले सकते हो। इसका जो 3D लुक है वो भी आपको मेरे साइड में इमेज में नज़र आ रहा है कि किस तरह का किचन लगता है बनने के बाद में। दोस्तों ये हमारे पॉपुलर सिंगल कलर की चॉइसेस थी जो मेरे को लगता है कि 2022 में भी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पेस्टल कलर्स हैं जो आप सिंगल कलर किचन में काम में ले सकते हो, सारे बढ़िया लगते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था कि जो कलर्स हैं वो आपको सेंचुरी में भी मिल जाएंगे, मेरीनो में मिल जाएंगे, रॉयल टच में मिल जाएंगे। मैं आपको मेरीनो का फोल्डर भी दिखाता हूँ, उसके अंदर सभी जो अपन ने कलर्स देखे वो आपको मैचिंग कलर्स आपको मेरीनो में भी नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए दोस्तों ये आपका यहाँ पे येलो कलर भी अवेलेबल है। इसके बाद में आपका जो ये ट्रॉपिकल एक ब्लू कलर है वो भी अवेलेबल है, नेवी ब्लू कलर भी अवेलेबल है, उनका नाम हो सकता है चेंज हो और हल्का फुल्का वेरिएशन हो 19-20 का, लेकिन ऑलमोस्ट कलर आपको मिल जाएंगे मेरीनो वाले फोल्डर के अंदर। एक खास बात ये जो कि 2022 का ट्रेंड होने वाला है, यानी कि ब्लू के शेड्स, ब्लू और ग्रीन के शेड्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आने वाले हैं 2022 में, क्योंकि ओवरऑल सभी इंडस्ट्री का ट्रेंड है। तो वो वाले के अंदर मेरीनो फोल्डर ने अभी नए वाले में काफ़ी सारे कलर्स दिए हैं, आप ये देख पा रहे हो काफ़ी सारे ब्लू के शेड इन्होंने दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। इसके अंदर एक बेज कलर भी इन्होंने यहाँ पर प्लान किया, ये बेज कलर जो अपन ने उसमें भी देखा था वो इस वाले फोल्डर में भी अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये बेरी बंच जो कलर है आपका, ये भी इसमें अवेलेबल है, ब्लैक करंट भी अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे जो हैं कलर्स आपको मेरीनो के अंदर भी मिल जाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक कलर था हमारा पर्ल ब्लैक था, और एक इस आपका 22129 भी था और 22099 है, वो सारे दोनों कलर्स अपने को मेरीनो के अंदर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लैमिनेट्स के कलर कॉम्बिनेशन है जो आपने किचन में यूज़ कर सकते हो। ये वाले कलर कॉम्बिनेशन बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है भाई हम लैमिनेट्स कौन सा सेलेक्ट करें, उनको कैसे कंबाइन करें। तो मैंने सोचा क्यों ना हम काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाते रहते हैं तो हम ऐसा कुछ आपको दे दें कि आप मतलब फटाफट से अपने किचन में कलर स्कीम फाइनल कर पाओ। अगर इसके अलावा भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है और अपने किचन के अंदर आप अपने किचन का 3D देखना चाहते हो, अपने किचन का पर्टिकुलर कस्टमाइज डिज़ाइन बनाना चाहते हो कि आपके किचन में कोई कलर स्कीम सेट करें तो कैसा लगेगा,
या फिर आपका टेस्ट कुछ डिफरेंट है, आपको डिफरेंट चाहते हो। ये तो सारे के सारे ऐसे कलर्स कॉम्बिनेशन है जो मतलब बड़ी सोबर हैं और सिंपल हैं और मतलब ये अच्छी लगेंगे, इनको अपन कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्ट कुछ डिफरेंट है, आप कुछ डिफरेंट चाहते हो, अपने किचन का पर्टिकुलर 3D बनाना चाहते हो, डिज़ाइन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसके अंदर हम इसी तरह की 3D डिज़ाइन आपको करके देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि कैसा अपना किचन बनने के बाद लगने वाला है, और जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने को डिज़ाइन में ही कर पाएँ, ताकि प्रैक्टिकल एंड पे वो अच्छा निकल के आए बाद में। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो था रिगार्डिंग द किचन लैमिनेट सिलेक्शन, कि अपन लैमिनेट किस तरह का सेलेक्ट करें अगर आप अपना 2022 में किचन बनाने जा रहे हैं, प्लान करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड वीडियोज हम छोटे छोटे लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आई होप आपको चैनल और वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। चैनल को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू।